बहुत सारे साथियों के कमेंट आए हुए थे कि सर हमारे घरों तक बिजली कैसे पहुंचती है, कैसे जनरेट होती है और कैसे कैसे किस किस स्टेप से वो पहुंचती है, इसकी विषय में बताइए। तो आज की इस वीडियो में हम इस चीज़ को अच्छी तरह से समझेंगे। उसके लिए मैंने एक मोटा मोटा यह पूरा एक सर्किट सिस्टम मैंने बना रखा है, आइए इसको समझते हैं कि कैसे हमारे घर तक बिजली पहुँचती है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए पावर प्लांट मैंने लिख रखा है। ये पावर प्लांट मतलब जहाँ पर बिजली जनरेट होती है। अब यह थर्मल पावर प्लांट हो सकता है, हाइड्रो पावर प्लांट हो सकता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो सकता है, विंड पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, कोई भी जहाँ पर बिजली जनरेट होती है वह ये हो सकता है। यहाँ पर जो बिजली जनरेट होती है वह 11 kV ही जनरेट होती है, इससे ऊपर नहीं जनरेट होती। कोई भी पावर प्लांट होता है वहाँ पर 11 kV ही बिजली जनरेट होती है। अब वहाँ पर क्या है, ये देखिए हमने तीनों फेज का हमने तीनों कलर में बना रखा है, RYB, ठीक है। उसके बाद हम उसी पावर प्लांट के इसमें एक पावर हाउस होता है, सब स्टेशन होता है, उसमें हम एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं जो कि 132 kV तक स्टेप अप कर देता है इस 11 kV को, ठीक है। मतलब इसको यह ट्रांसफार्मर 132 kV बना देता है इस वोल्टेज को। तो यहाँ पर ये जो इनपुट वोल्टेज आती है वह 11 kV होती है और जो आउटपुट निकलती है वह 132 kV होती है। उसके बाद ये टावर आप जैसा देखते होंगे ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो टावर लगे हुए होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, इस तरह से जो टावर लगे हुए होते हैं इन टावरों के माध्यम से इस तरह से ये जो बिजली होती है वह ट्रांसमिट होती है ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से, यहाँ तक पहुँचती है कि जहाँ पर हमें बिजली की उपयोग करना होता है बिजली को। जैसे कि ये समझ लीजिए हमारा पावर हाउस, ठीक है, जो हमारे घरों के आसपास होता है पावर हाउस, वहाँ पर क्या होता है कि एक ट्रांसफार्मर हम लगाते हैं जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो उसमें क्या होता है कि वह 132 kV जो हमारी होती है 132 kV या 133 kV जो भी होता है उसको 33 kV में स्टेप डाउन कर देता है। मतलब यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है या फिर 132 kV को 11 kV में वो स्टेप डाउन कर देता है। दोनों चीज़ें होती हैं, 33 kV में भी बदलने के लिए भी होता है और 11 kV में भी बदलने के लिए होता है। तो वो जैसी ज़रूरत होती है उसके अनुसार वो ट्रांसफार्मर हम यूज़ करते हैं, वहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो है 33 kV स्टेप डाउन होता है या 11 kV स्टेप डाउन होता है। उसके बाद इसको हम एक दूसरा ट्रांसफार्मर लगा करके कहाँ पर कि मतलब ये पावर हाउस से जो बिजली होती है वह जाती है और हमारे घरों के पास जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है उस ट्रांसफार्मर में उसकी जो रेटिंग होती है वह 33 kV या 11 kV आप लिख 440 वोल्ट होती है। तो उसमें हम इनपुट जो वोल्टेज होती है वो 33 kV देते हैं या फिर 11 kV देते हैं। नॉर्मली जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए 11 kV ही यूज़ होती है। तो 11 kV टू 440 वोल्ट डाउन हो जाती है जो वोल्टेज होती है और यहाँ पर जो वोल्ट जो हमारा न्यूट्रल होता है वह भी हम निकाल लेते हैं और उसको हम ग्राउंड भी कर देते हैं यहीं पर। तो यहाँ पर जो न्यूट्रल हो वो ग्राउंड भी हो जाता है और यहीं से न्यूट्रल और फेस दोनों निकल करके हमारे घरों तक पहुँचते हैं। अब चाहे हमको सिंगल फेस यूज़ करना है तो हम न्यूट्रल और सिंगल फेस यूज़ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक चीज़ नहीं बनाया मैंने यहाँ पर कि आप एक न्यूट्रल भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर एक न्यूट्रल भी आप निकाल देंगे तो न्यूट्रल भी आपके घरों तक आ जाएगा, ये न्यूट्रल का तार हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप फेस और न्यूट्रल यूज कर सकते हैं या थ्री फेस भी यूज कर सकते हैं, वो तो हम अपनी आवश्यकता के अनुसार जैसा हमें ज़रूरत होगी उस अनुसार हम सप्लाई को यूज़ करते हैं। तो कुछ इस तरह से दोस्तों हमारे घरों तक सप्लाई आती है कि पावर प्लांट से स्टेप अप करते हैं वोल्टेज को जो कि 11 kV को स्टेप करके 132 kV बना देते हैं और उस ट्रांसफार्मर का आउटपुट लेकर के हम टावर के माध्यम से एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो कि हमारा सब पावर हाउस होता है घरों के पास में वहाँ पर होता है, वहाँ से जो स्टेप डाउन वोल्टेज होती है 11 kV होती है या 33 kV होती है उसको हम एक घरों के पास जो हमारे ट्रांसफार्मर लगा होता है उसमें हम इनपुट देते हैं जो कि 33 kV का होता है या 11 kV का जो प्राइमरी वोल्टेज होता है वो होता है और अब्लिक 440 वोल्ट का वो ट्रांसफार्मर होता है। तो इस 440 वोल्ट को हम अपने घरों में यूज़ कर लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमारे घरों तक बिजली कैसे पहुँचती है और जिन जिन साथियों ने इस टॉपिक पर कमेंट किया था उनको भी इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही और दोस्तों एक मेरा दूसरा भी चैनल है जिस पर मैं बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज आप लोगों के लिए रोज़ एक लेकर के आता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहें तो जा करके वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।